3000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़, 1150 ट्रांसमिशन टावर्स, 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे स्टील एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एक हेलीक्रेन, 45 करोड़ डॉलर्स और 36 महीनों की एक टाइट डेडलाइन, इंसान और मशीनों को अपनी पूरी ताकत जुटाकर सामना करना है हवा, बर्फ, तूफान और घाटियों का, और पहुंचानी है हिमालय में बहुत ऊंचाई पर बसे गांव तक बिजली। ये है अल्टीमेट जॉइंट वेंचर इंसान, मशीन और पहाड़ों के बीच। ये है किरण उम्मीद और रोशनी की। ये है कॉरिडोर टू कश्मीर। इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ये घिरी है शानदार पीर पंजाल पहाड़ों से। ये खड़ी चढ़ाइयां किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी रुकावट हैं। लेकिन अब डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एक टीम ने इस चुनौती का सामना करके 415 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर कश्मीर तक बिजली पहुंचाने का फैसला किया है। लगभग 1,30,00,000 कश्मीरियों को ब्लैकआउट झेलना पड़ता है। सर्दियों में टेम्परेचर -13 डिग्री से भी नीचे गिरकर जीना मुश्किल बना देता है। फिलहाल पुराना ट्रांसमिशन कॉरिडोर पंजाब के मोगा से जम्मू से थोड़ा आगे किशनपुर तक जाता है। लैंडस्लाइड्स, रॉकफॉल्स और भारी बर्फबारी अक्सर पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचाकर स्टेट के एक बड़े हिस्से को अंधेरे में धकेल देती है। बिजली ना होने के कारण यहाँ पे कुछ मतलब कारोबार, लोगों का जो मतलब रोजमर्रा की जरूरियात थी वो नहीं पूरी हो रही थी। काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका हमारा है, उसमें लाइट की प्रॉब्लम है, बहुत आ रही है। लाइट की प्रॉब्लम ये है कि पूरे दिन में हमें 2 घंटे लाइट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बिजली नहीं होती है तो वो अमॉन्ग स्टूडेंट्स के अंदर होती है, या खासकर रात को पढ़ने का वक्त होता है तो उस वक्त बिजली नहीं होती है, तब उनको अंधेरे में बैठना पड़ता है और ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। स्टेट गवर्नमेंट कश्मीर को जगमगाने के लिए एक अल्टरनेट पावर कॉरिडोर बनाना चाहती है। नई पावर लाइन सरप्लस पावर सप्लाई वाले स्टेट पंजाब के जालंधर से शुरू होकर सांबा से जम्मू तक पहुंचेगी। वहां से ये ऊपर बॉर्डर पर रजौरी शहर से होती हुई पीर की गली पास से गुजरकर नए अमरगढ़ सब स्टेशन तक जाएगी, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये नई लाइन मौजूदा लाइन से तकरीबन 4 गुना लंबी होगी और पहली सेंट्रल ग्रिड को कश्मीर से जोड़ेगी। ये नई प्रपोज्ड पावर लाइन नॉर्दर्न रीजन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग 29 या NRSS 29 सी लेवल से 240 मीटर ऊपर से शुरू होकर 3000 मीटर तक जाते हुए 2700 मीटर तक ऊंची उठेगी। पूरी होने के बाद ये ट्रांसमिशन लाइन नॉर्दर्न ग्रिड से 1000 मेगावाट पावर लाकर कश्मीर को दुगनी बिजली पहुंचाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर तक बिजली पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट के लिए 2 ही बिडर्स मिले। पहाड़ी इलाके में काम करना मुश्किल है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और ठंडी हवाएं काम करना नामुमकिन बना देती हैं। और सिक्योरिटी इश्यूज भी पॉलिटिकली वोलेटाइल जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ देते हैं। आखिरकार ये काम मिला शेड्यूल से 12 महीने पहले प्रोजेक्ट पूरा करने का वादा करने वाली स्टरलाइट पावर को। कोई भी टफ चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहता, कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहता। नो वन वांट्स टू कनेक्ट कश्मीर टू द मेन लैंड, और वो भी 400 kV लाइन से ओवर द पीर पंजाल लाइन। और ये वो कुछ मुश्किल चैलेंजेस थे जिसे हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमारे पास एक इकोनॉमिकल एनर्जी मार्केट नहीं होती। सिर्फ 6 साल पुरानी ये कंपनी शहरों और गांवों को पावर लाइन से जोड़ने का काम करती आ रही है।
केबल्स और कंडक्टर्स बनाने के साथ ही वेस्ट में महाराष्ट्र और ईस्ट में असम में पावर लाइंस बिछाने का इसका एक्सपीरियंस बेशक इसकी मदद करेगा, लेकिन कश्मीर की ज्योग्राफी इस नई कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हमने खुद से सवाल किया कि क्या कोई तरीका है कि हम इस प्रोजेक्ट को आधे वक्त में करते। देखिए, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम 6 सालों में बनाते। इनफैक्ट अगर 9 साल भी लगते ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट इज द फन इन दैट? तो हमने सोचा लेट्स टेक दिस प्रोजेक्ट, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज कि हमें कश्मीर के लोगों तक बिजली पहुंचानी है और वो भी कम से कम वक्त में। कश्मीर तक के इस नए कॉरिडोर में होंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हैवी गेज कंडक्टर्स जो 12 पैरेलल लाइंस पर लगेंगे। 400 किलो वोल्ट्स का जबरदस्त चार्ज कैरी करने वाली ये ओवरहेड हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस 1000 से ज्यादा ऊंचे और भारी रीइंफोर्स्ड ट्रांसमिशन टावर्स पर लगाई जाएंगी। पहला फेज यानी जलंधर सांभा लाइन ज्यादातर प्लेन्स पर बनाई जा रही है और टीम के लिए काम आसान होने के चलते ये सेक्शन रिकॉर्ड टाइम में शेड्यूल से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है, लेकिन बाकी का 2/3 काम एक बड़ी चुनौती है। पीर पंजाल की इन ऊबड़ खाबड़ ढलानों पर बिछाई जानी है सांबा अमरगढ़ लाइन। देखिए, जहां तक प्लानिंग का सवाल है तो पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन। लोकेशन डिसाइड होने के बाद हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में किस टाइप का टावर हो, वो भी इंजीनियरिंग कंसिडर करने के बाद। डिजाइन टीम को अब स्लोप्स के एलिवेशन, ऑल्टीट्यूड और स्नोफॉल पैटर्न के हिसाब से डिजाइन की मजबूती और टावर्स के वजन पर गौर करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं सांबा टू अमरगढ़ के बारे में। इसमें 4 सेक्शंस हैं दैट वी हैव डिवाइडेड टू अखनूर एंड टू राजौरी एंड टू शोपियन एंड देन टू अमरगढ़, राइट? नाउ इन दीज 4 सेक्शंस, ये वाला पोर्शन है नॉन हिली एंड विदाउट स्नो, ये वाला पोर्शन है हिली और विदाउट स्नो, ये पोर्शन है हिली प्लस स्नो और ये है सेमी हिली और स्नो पार्ट, राइट? तो अब इस हिली एंड सेमी हिली एंड स्नो एरिया में हमें टावर्स ऐसे डिजाइन करने होंगे ताकि वी कैन क्लब दीज टू। टीम टोपोग्राफी और स्लोप्स के एंगल के हिसाब से 4 तरह के टावर्स इस्तेमाल कर रही है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम विंड जोन को हायर लेवल पर लेकर चल रहे हैं, जैसे 39 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड है इस पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन हम इसे 44 मीटर पर सेकंड मानकर चल रहे हैं। इसे हायर लेवल पर बढ़ाते हुए साथ ही स्नो थिकनेस को देखते हुए हमने कंडक्टर के साथ साथ टावर मटेरियल की थिकनेस 16 mm रखी है, जबकि ये 10-12 mm होती है, तो इसे भी हायर साइड पर रखा है। तो ये टावर के सिस्मिक लोड को ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है और क्योंकि ये पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है तो सिस्मिक लोड ग्राउंड में इजिली ट्रांसफर हो जाता है। पूरी लाइन में हम 1000 से ज्यादा टावर्स को लगा रहे हैं थ्रू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। उनमें से कुछ हैवी स्नो जोन में बन रहे, कुछ मीडियम स्नो जोन में, तो कुछ नो स्नो जोन में। हैवी स्नो जोन में हम यूज कर रहे हैं ग्रेड सी मटेरियल एंड सम एक्स्ट्रा वेट, जिससे हमारा टावर डैमेज नहीं होगा माइनस टेम्परेचर में और वो टावर खड़ा रहेगा हर हाल में। प्लान्स फाइनलाइज करने के लिए टीम बोर्ड रूम में मिलती है। पहाड़ों के ऑल्टीट्यूड और स्नो कंडीशन से प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रुकावटें आती हैं। स्टरलाइट पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। सो रिलायबिलिटी सिर्फ 35 साल के लिए नहीं बल्कि एटलीस्ट 50 साल तक ये लाइन जम्मू एंड कश्मीर और पूरे देश को सर्व कर सकती है। लेकिन अभी एक बड़ी मुसीबत से पार पाना बाकी है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, मुझे लगता है मटेरियल मूवमेंट और टावर इरेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। टीम मटेरियल को ऊपर पहाड़ों तक कैसे ले जाएगी? मटेरियल्स ले जाने के लिए खच्चर इस्तेमाल करने के ट्रेडिशनल तरीके धीमे और मुश्किल भरे हैं और हर ट्रांसमिशन टावर का वजन 40 टन तक हो सकता है, जो 8 अड़ियल हाथियों को खड़ी चढ़ाई पर ले जाने जितना मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5000 खच्चर 2400 घंटे इन हालात में लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मैंने सोचा कि क्या किया जाए, मतलब लोगों की मटेरियल्स, जीप्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और उन एक्सकेवेटर्स की प्लानिंग करनी थी, लेकिन खच्चरों का क्या? कहीं कहीं सड़क ना होने के चलते जमीन का रास्ता काफी टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए इंजीनियर्स ने जवाब की तलाश में आसमान की ओर देखा। देखिए, शायद ये अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है इस देश में, एंड वी बिलीव कि अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं और वो भी पहले से कम टाइम में जितना इसे एग्जीक्यूट करने में लगा था, तो हम इस देश में कोई भी प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज करें ताकि इस प्रोजेक्ट को गिवन टाइम में पूरा कर सकें, और इसीलिए हम हेलीक्रेन भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज देखने के बाद शायद इस
प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की हमारी एम्बिशन में और वैल्यू ऐड होगी। स्टेरलाइट पावर ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए एरिक्सन से एक हेलीक्रेन मंगाई। हेलीक्रेन या S-64 एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है जो 9000 किलो तक का वजन उठा लेता है। ये CH-54 तार है, वियतनाम वॉर हीरो है, जिसे अर्ली 60s में सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट ने इन्वेंट किया था और फिर US आर्मी ने इस्तेमाल किया था। आज ये टेक्नोलॉजी खासकर सिविलियन यूज में आती है। एरिक्सन एयरक्रेन्स के पास S-64 की सबसे बड़ी फ्लीट है, जिसे मेगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लीज पर दिया जाता है। क्या ये हेलीक्रेन पीर पंजाल की ऊंचाइयों पर जीत दिला पाएगी? और क्या इससे सर्दियां शुरू होने से पहले NRSS-29 रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो पाएगा? हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है इन पहाड़ों में काम के सिर्फ 3 महीने होना, और इन 3 महीनों की वर्किंग विंडो में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कैसे करें। उसका सबसे अच्छा तरीका है टेक्नोलॉजी ऑफ एविएशन, तो इस आइडिया को लाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगस्त। अब एक्शन शिफ्ट होता है पुंछ के पास बफलियाज में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास है। ये है ऑपरेशंस बेस। टीम को उम्मीद है कि वो यहाँ से पीर पंजाल के पहाड़ों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जबरदस्त है। जियोग्राफिकली ये इलाके की सबसे चौड़ी जगह है। यहाँ से सड़क नजदीक होने की वजह से पूरी स्टॉक इन्वेंट्री आसानी से लाई जा सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास होने से इस इलाके में इंडियन फोर्सेस की भारी मौजूदगी बेस को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देती है। टीम के सारे इक्विपमेंट यहाँ पर है, सीमेंट, सैंड और ग्रेवल, जिनसे टावर की फाउंडेशंस बनाई जाएंगी, और तमाम तरह के मेटल स्टब्स जिन पर ट्रांसमिशन टावर खड़ा होगा। इस बीच दूर गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर एरिक्सन हेलीक्रेन आखिरकार शिप से उतर चुकी है। ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। फ्लाइट इंजीनियर के मशीन चेक करने के बाद ये गुजरात से उड़ान भरती है और अब तैयार है कश्मीर जाने के लिए। लेकिन वहीं कश्मीर में काम अटक गया है। ऑपरेशन हेडक्वार्टर मुसीबत में घिर गया है। नर्व सेंटर के बंद होने से कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। कश्मीर को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पीर पंजाल के पहाड़ों से पार पाने के लिए इस टीम ने हेलीक्रेन हायर की है, लेकिन इसके पहुंचने से कुछ ही दिन पहले मुसीबत धावा बोल देती है। कश्मीर में बिजली लाने की कोशिश में रुकावट आ गई है। पास ही बहती नदी में आई बाढ़ की वजह से ऑपरेशन हेडक्वार्टर में पानी भर गया है। बेस सेट करने में हुई महीने भर की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्रू सुरक्षित है, लेकिन पूरा यार्ड तहस नहस हो गया है। कभी पार्किंग जोन रही जगह आज नदी बन गई है। टीम चीजों को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। रहने की जगह अब रहने लायक नहीं बची है। ट्रायल रन पर आए B-3 हेलीकॉप्टर्स को फौरन वापस कश्मीर भेज दिया जाता है। क्रू कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हमारे लिए एक चैलेंज था इस यार्ड को अवेलेबल कराना एरिक्सन के लिए जुलाई तक, लेकिन बीच में बाढ़ आ गई तो पूरा यार्ड दोबारा बनाना पड़ा। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है। टीम बाढ़ के हालात देखने के बाद बेस उसी जगह बनाने का फैसला करती है। हेलीक्रेन के पहुंचने से पहले ऑपरेशन हेडक्वार्टर को चालू करना था। टीम के सामने एक डेडलाइन है, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। सितंबर का पहला हफ्ता। सिर्फ 3 हफ्तों में यार्ड फिर से बना लिया गया है। टीम ने इनॉग्रेशन के लिए लोकल आर्मी कमांडर को इन्वाइट किया है।
अब ऑपरेशंस बेस हेलीक्रेन की पहली सॉटी का वेलकम करने के लिए तैयार है। ये हेलीक्रेन एक गजब की मशीन है। नाम है ओल्गा, रशियन में जिसके मायने हैं होली। देखने में ये स्लिम ग्रास हॉपर जैसी भले हो पर लाइट वेट नहीं है। इसे ताकत देते हैं ट्विन हेवी लिफ्ट इंजन्स। और ये अकेली नहीं आई है, B3 हेलीकॉप्टर में इसके साथ आया है इसका सपोर्ट क्रू। ये पहली बार है जब इंडिया में किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक स्काई क्रेन इस्तेमाल की जा रही है और टीम का मानना है कि पावर ट्रांसमिशन में ये गेम चेंजर साबित होगी। ओल्गा एक एक्सपीरियंस्ड वर्क हॉर्स है। इसके पास दुनिया भर में काम करने का 54 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और अब ये पीर पंजाल रेंज की क्वीन बनना चाहती है। ओल्गा बहुत ऊंचे दाम पर आई है। इसकी हर घंटे की लागत हजारों डॉलर्स है, लेकिन इसके काम के आगे इसका दाम जायज है। ये जम्मू कश्मीर में फाइनेंस्ड सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये काफी मुश्किल था। और इसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी और टेरेन का हमें सामना करना था, उसने इसे और मुश्किल बना दिया। ये स्काई क्रेन प्रोजेक्ट का ऐसा सीक्रेट है जिसकी मदद से ये टीम काम को डेडलाइन से पहले पूरा करेगी। एक दिन में एक आदमी के 40 किलो वजन उठाने के मुकाबले ये 9000 किलो तक का जबरदस्त भार उठा सकती है। हम यहाँ बफलियाज इंडिया में हैं, स्टरलाइट के एक पावरलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, और हम अभी मूव कर रहे हैं स्टील, कॉन्क्रीट एंड ग्रेवल टू द टाउ साइट। स्काई क्रेन के साथ 10 लोगों का एक हाईली स्पेशलाइज्ड क्रू आया है। इसमें पायलट्स और इंजीनियर्स के साथ एक क्रू है जो ग्राउंड ऑपरेशंस मैनेज करती है। एरिक्सन क्रू काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना आसान नहीं रहने वाला। ग्राउंड टीम को हेलीक्रेन के साथ काम करना सीख कर जल्दी से सिस्टम्स को दुरुस्त करना होगा। हर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त हेलीक्रेन का पावरफुल 6 ब्लेड का रोटर एक जबरदस्त आंधी पैदा करता है, इसलिए पानी छिड़क कर मिट्टी जमाए रखने के लिए टैंकर्स बुलाए गए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बने रहना अहम है। रोटर का शोर कानों के पर्दे फाड़ सकता है, इसलिए सेफ्टी ऑफिसर पूरी जांच करता है कि हर एक ने सेफ्टी हेलमेट्स, गॉगल्स और ईयर प्रोटेक्शन गियर पहना हुआ है या नहीं। जब भी हम टावर रिएक्शन के लिए जाएंगे, जो आप ऊपर चढ़ते हो तो आपके ये जो दोनों सेफ्टी होके इसको प्रॉपर आप हुकअप करोगे, उसके बाद ही कोई काम करोगे। सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करोगे, ठीक है ना। अलग अलग तरह के लोड्स ले जाने के लिए एयर क्रेन में कई तरह के अटैचमेंट्स होते हैं। इससे सीमेंट, ड्रिवल और स्टील ले जाना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम स्टील बंडल्स को स्काई क्रेन की मदद से उन लोकेशंस तक पहुँचाते हैं जो सड़क से दूर होते हैं। साइट ऑफिस में एक कन्वर्टेड कंटेनर के अंदर टीम हर सॉटी को ड्रॉप जोन के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और दिन के टेम्परेचर के हिसाब से सोच समझ कर प्लान करती है। अब ये ओल्गा के लोड मास्टर का काम है कि वो पायलट और ग्राउंड क्रू के साथ कोऑर्डिनेट करे। ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा डेंसिटी ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है, और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड के बढ़ने पर हमारी लिफ्ट कैपेसिटी घट जाती है, और इससे जो इंजन की अवेलेबल हॉर्स पावर है वो भी घट जाती है। तो जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो जैसे ही हम 7000 फीट से ऊपर जाते हैं तो हेलीक्रेन की परफॉर्मेंस और लिफ्ट घट जाती है। श्रीनगर, पीर की गली और ड्रॉप जोन में विंड और विजिबिलिटी चेक करने के लिए हर घंटे वेदर अपडेट्स लेना वेट की बंडलिंग के लिहाज से अहम है। आज यार्ड क्रू को तमाम मटेरियल 4 मेट्रिक टन से नीचे रखने को कहा गया है, लेकिन दोपहर बाद मौसम खराब होने पर कैलकुलेशंस रिवाइज करनी होंगी। सुबह की कड़ी मेहनत फिर से दोहराकर अगली सॉटी के लिए बंडल वेट रीकैलिब्रेट और रीमेजर करना होगा। स्टरलाइट पावर के प्रोजेक्ट मैनेजर निशांत गुप्ता जानते हैं कि मौसम या वजन में बदलाव को अनदेखा करना हेलीक्रेन पर सवार हर इंसान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इस पहाड़ी इलाके को देखें तो हेलीक्रेन के लिए काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि वो इस इलाके में 6 मेट्रिक टन से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर सकता फ्रॉम 8000 टू 12000 फीट। तो हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, इरेक्शन टू मोर ऑफ
बंडल शिफ्टिंग, या हमें करना पड़े मच ऑफ ड्राई मटेरियल शिफ्टिंग प्लस स्टील बंडल्स। तो हमने अपना पूरा सेटअप चेंज किया और जैसे हमारा टारगेट था 4500 मेट्रिक टन और फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं 4200 मेट्रिक टन और हो सकता है हम उससे ज़्यादा भी कर सकें। सितंबर का दूसरा हफ्ता। सितंबर का महीना है, साइट्स पर मौसम काम में बाधा डाल रहा है। आज ऑपरेशंस यार्ड में टीम सुबह से ही स्काई क्रेन का इंतजार कर रही है, लेकिन पीर की गली पास में खराब मौसम के चलते ये श्रीनगर में ही अटकी हुई है। इस बीच 62 रोमियो टेक ऑफ करने वाली है, जब तक कि वो श्रीनगर पहुंचेगी तो इसका मतलब 10 बजे तक काम शुरू हो जाएगा। वक्त 9:30 से ऊपर हो गया है पर स्काई क्रेन कहीं नजर नहीं आती। हेली क्रेन पीर की गली से आती है जिसका ऑल्टीट्यूड है 2000 फीट। किसी दिन नहीं आ पाती है जब मौसम खराब होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बैड वेदर की है, कभी कभी तो बहुत बुरा होता है। सुबह उठो तो नजर आएगा वेरी सनी डे और 12 बजते ही आसमान में बादल छा जाते हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है, काम नहीं हो पाता। पीर पंजाल रेंज में मौसम में लोकल वेरिएशंस बहुत मिलते हैं। कभी कभी विंड कंडीशंस या विजिबिलिटी तेजी से बदलकर टीम को उसका पूरा प्लान बदलने पर मजबूर कर देती है। हमें जिन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि मौसम पीछे कैसा है या आगे कैसा है, बाकी दूसरी चीजें तो ध्यान रखना होता है कि हम किस मौसम में हैं और ये बाद में कैसा होने वाला है, एंड ट्राई टू एक्ट गेस इट एंड वर्क विद इट। और आप ध्यान देते हैं सेफ्टी पर, आपको सेफ रहना होता है क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मिड सितंबर तक प्रोजेक्ट का काम तकरीबन ठहर जाता है। मानसूनी हवाएं रुकावट डाल रही हैं और हेली क्रेन पिछले एक हफ्ते से श्रीनगर एयरपोर्ट पर अटकी हुई है। यहाँ वेदर काफी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। लास्ट वीक कोई काम नहीं हो पाया। साल का ये वक्त और ये एरिया मेरे ख्याल से काफी मॉइस्ट है, तेज आंधी बिल्डअप हो रही है और काफी फॉग है जिसमें ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। यार्ड में एरिक्सन सपोर्ट क्रू खुद को बिजी रखे हुए है। ये ओल्गा की मरम्मत में लगे हैं ताकि ये चुस्त दुरुस्त रहे। इस वक्त हमारे सामने प्रॉब्लम है कि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है। जहां तक उन्हें टाइम देने की बात है तो वो मेरे हाथ में नहीं है, और जैसे ही मौसम बदलेगा तो स्टरलाइट देख लेगी कि हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। बस मौसम साफ हो जाए, उम्मीद है वो कल ही हो, लेकिन फिलहाल काम पूरा होने का वक्त बताना बहुत मुश्किल है। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। टेरेन अपना खुद का मौसम बनाता है और वेदर एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमें उसके मुताबिक चलना होता है। टीम दबाव में है, बर्फबारी और आंधियों के साथ सर्दियां आने से पहले इन्हें काम पूरा करना होगा। टीम को टाइम, टेरेन और मौसम से ये जंग जीतनी होगी अगर उसे वादे को पूरा करते हुए कॉरिडोर टू कश्मीर प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करना है। क्रेन बिल्डिंग प्रोसेस में तेजी तो लाई है, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये पिछले एक हफ्ते से काम नहीं कर पाई है। काम रुकने से टीम पर दबाव आ गया है। अक्टूबर। अक्टूबर चल रहा है, मॉनसून खत्म होने के साथ ट्रांसमिशन टावर्स बनाने का काम पूरी तेजी पर है। डेडलाइन पूरी करने के लिए टीम को तेजी से काम करना होगा। पीर पंजाल रेंज की ढलानों पर चल रहा काम कंस्ट्रक्शन की अलग अलग स्टेजेस पर है। टीम ने एक साथ कई साइट्स पर काम शुरू किया है। कुछ साइट्स पर फाउंडेशन खोदकर रीबार्स बिछाए जा रहे हैं तो कहीं ट्रांसमिशन टावर के लेग्स लगाए जा चुके हैं। हेली क्रेन अपने सपोर्टिंग B3 हेलीकॉप्टर के साथ
पहाड़ों पर डेली रन्स में जुटकर कई वर्क साइट्स पर रोजाना मटेरियल पहुंचा रही है। एरिक्सन टीम यूनाइटेड स्टेट से है। ये स्पेशल कंक्रीट पोरिंग बकेट्स लाए हैं। इनमें से हर एक बकेट 6 मीट्रिक टन से ज्यादा कंक्रीट ले जाती है, जिससे साइट पर काम में तेजी आती है। लेकिन अभी कई रुकावटें दूर करनी बाकी हैं। इंडियंस और अमेरिकन्स के लिए स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाए रखने के लिहाज से ये एक लर्निंग कर्व रहा है। ये उनके लिए बिल्कुल नई चीज है। अब तक ये लोग ये काम हाथों से, खच्चरों से, घोड़ों से करते थे। यहाँ यही तरीका था, पर अब ये बहुत बड़ा चेंज है। तो जब से हम यहाँ आए हैं, हम इनसे थोड़ा डिफरेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली डिफरेंट करने को कहते हैं। हेलीक्रेन एक गेम चेंजर है और ग्राउंड क्रू को तेजी से इस हाईटेक मशीन के टाइट प्रिसाइज शेड्यूल में काम करना सीखना होगा। हमें अपना काम जल्दी से करना पसंद है। गेट इट डन क्विक, गेट हार्ड। और कई बार लगता है कि हमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना चाहिए और कहना चाहिए हेलो। हमें यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, तभी तो वो हमें भी समझ पाएंगे। इस जबरदस्त मशीन से तालमेल बनाए रखने के लिए ग्राउंड क्रू को काफी मैन पावर की जरूरत थी, जो हेलीक्रेन की जरूरतों के हिसाब से काम कर सके। हमने रिक्रूट किया है एक खास तरह का फिटर जो उसी काम में माहिर है। हमने उसको ट्रेन किया ताकि वो हेलीक्रेन को ऑपरेट कर सके। लैंग्वेज एक और बड़ी रुकावट है। एक एरर फ्री ड्रॉप के लिए पायलट और ग्राउंड क्रू के बीच कम्युनिकेशन अहम है। समझ में जरा सी चूक से 4 टन स्टील गलत जगह पर ड्रॉप हो सकता है, जिससे नीचे खड़े आदमी की जान भी जा सकती है। कुछ जगहों पर सेल फोन कनेक्टिविटी खराब है और सिक्योरिटी रीजन से वायरलेस कम्युनिकेशन की इजाजत बिल्कुल नहीं है। टीम ने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दूर करने के लिए सभी को हाथ से सिग्नल्स देना सिखाया है। फ्लैग मार्शलिंग से काम आसान हुआ है। हमने ट्रेन किया ड्रॉप जोन क्रू को, हमने उन्हें सिखाया कि कैसे एयरक्राफ्ट को मार्शल करें और सिग्नल कैसे दें। ओल्गा ने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस तेज करके बात दिनों से घंटों पर ला दी है, लेकिन भारी लोड्स को बाय एयर ट्रांसपोर्ट करने के अपने खतरे होते हैं, जिसे कई लोकल विलेजर्स नहीं समझते। जब हम यहाँ के लोगों को कभी कभी समझाते हैं कि कहते हैं कि प्लीज ब्रिज पे मत जाइए, जब हम ऊपर से उड़ते हैं तो वो इस बात को समझते ही नहीं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो ब्रिज पर रहें, क्योंकि अगर कोई छोटा सा बोल्ट या छोटा सा पत्थर में गिर जाए तो चोट लग सकती है, जान जा सकती है। हम उनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बल्कि उनकी सेफ्टी चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का मोटो है सेफ्टी फर्स्ट। हेलीक्रेन क्रू US फ्लाइंग रेगुलेशंस मानता है, जो उन्हें रिहायशी इलाकों के ऊपर से फ्लाई करने से मना करते हैं। इसलिए ड्रॉप जोन के रास्ते में गांव से बचने के लिए पायलट अक्सर ज्यादा लंबा रूट लेते हैं। US सेफ्टी रूल्स के साथ ही हेलीक्रेन क्रूज को इंडियन एविएशन रूल्स फॉलो करने को भी कहा गया है। दिन काफी छोटे हैं यहाँ ड्यूटी डे लिमिटेशंस की वजह से। इंडिया में 10 आवर ड्यूटी डे, तो इससे हमारे ऑपरेशंस धीमे पड़ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि दोपहर में यहाँ आंधी चलती है और बारिश आती है, और इससे हमारा काम रुक जाता है। तो अगले दिन हम लोग कैचअप करने की कोशिश में लग जाते हैं। ये सॉटी एक नए टावर का बेस बनाने के लिए सैंड और सीमेंट ले जा रही थी। लेकिन शैकल रिलीज करते ही मुश्किल खड़ी हो गई। लाइट ब्लैक प्लास्टिक लाइनिंग टूटकर रोटर्स के पास इकट्ठी होने लगी थी। वहां बफलियाज में टीम प्रॉब्लम पर गौर करके एक फैसला लेती है। उनका सॉल्यूशन है मटेरियल को नेटिंग के साथ ही ड्रॉप किया जाए और दिन खत्म होने पर टूल्स और कार्गो नेट्स निकाले जाएं, ताकि वो फिर से इस्तेमाल किए जा सकें। मिड अक्टूबर,
मिड अक्टूबर चल रहा है। टावर इरेक्शन का काम क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया है। जेसन वेबर और वरुण श्रीवास्तव की अगुवाई वाली ये टीम एक ट्रांसमिशन टावर की इंस्टॉलेशन देखने थाना मंडी जा रही है। ये टावर्स पीर पंजाल पहाड़ों में ऊंचाई पर बनाए जा रहे हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां सड़क नहीं जाती। सबको सड़क से अलग 1 किलोमीटर पैदल चलकर लोकेशन तक जाना होगा। नट्स और बोल्ट्स जांचे जाते हैं और क्रू टावर बॉडी के पहले सेक्शन की तैयारी करता है जो आज हेलीक्रेन लाने वाली है। Hey, there is my English guy. Okay. When the crane comes, इन सबको वहाँ ऊपर जाना होगा. Okay. Everybody has to be in group. वहाँ ऊपर. जब क्रेन वहाँ से आएगा, तो आप लोग को ऊपर रहना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कलर का जो प्लेट इतना बड़ा बड़ा उसको खोलना है. उसके बाद चेन खोलना है. उसके बाद बनाना गाइड का जो बोल्ट है दो उसको खोल के उसको मैंने बनाना गाइड का निकालना है. इनका कहना है कि पहले ये ऊपर चढ़ेंगे फिर वो उस पार्ट को खोलेंगे जो येलो कलर का है. नो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले वन बोल्ट या पुट इन ईदर साइड राइट, वो जिधर भी फिट हो जाए राइट, स्पिन इट टाइट राइट, दैट इज सेफ्टी. स्टेप टू, रिमूव द रैप अराउंड्स. ओके. इंस्ट्रक्शन साफ होने के बाद अब वक्त है हेलीक्रेन का इंतजार करने का. पूरी ग्राउंड टीम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए ऊंचाई पर जाकर उनके सिग्नल का इंतजार करती है. उधर बफलियाज हेडक्वार्टर्स में क्रू हर सेक्शन की जांच करती है. हर सेक्शन के ऊपर ब्राइट ऑरेंज मेटल के टुकड़े लगाए गए हैं जिन्हें बनाना गाइड्स कहा जाता है. ये अगले पीस को लगाने में मदद करते हैं. कमांडोस कहे जाने वाले यार्ड वर्कर्स के साथ एरिक्सन क्रू ऊपर चढ़ते हुए एक एक नट बोल्ट को चेक और टाइट करता है. चूक की कोई गुंजाइश नहीं. दिन के काम की तैयारी में हेलीक्रेन क्रू ओल्गा के निचले हिस्से से जुड़ा लिफ्टिंग रिग चेंज कर रहा है. एरियल सपोर्ट क्रू के साथ B3 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है और हेलीक्रेन सेक्शन उठाने की तैयारी करता है. कमांडो क्रू केबल्स थामने के लिए तैयार होकर इंतजार कर रहे हैं. अब वक्त है टेक ऑफ का. उधर ढलान पर टावर क्रू तसल्ली से इंतजार करता है. वो सेक्शन को आता देखते हैं. सेक्शन पहुंचता है. हेलीक्रेन पायलट पास ही मंडराते B3 और ग्राउंड क्रू की गाइडेंस में सेक्शन को पोजीशन करता है. हेलीक्रेन दो पायलट्स के हिसाब से बनी है, एक विशाल मशीन को उड़ाने के लिए और दूसरा पिछले हिस्से में बैठकर सेक्शन को जगह पर जमाने के लिए. टीम की नजरों के सामने सेक्शन बनाना गाइड्स पर आसानी से स्लाइड होकर अपनी जगह पर जम जाता है. काम पूरा होते ही हेलीक्रेन केबल्स रिलीज करती है और अगली सॉटी के लिए उड़ जाती है. क्रू ट्रांसमिशन टावर की तरफ बढ़ता है सेक्शन को जगह पर कसने के लिए. लेकिन जेसन वेबर की तजुर्बेदार आंखों ने एक कमी पकड़ी है. एक रैप अराउंड सेक्शन को एक साइड से जगह पर स्लाइड होने से रोक रहा है. एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह एक क्रू मेंबर दौड़ कर जाता है और जल्दी से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. जेसन वेबर और वरुण श्रीवास्तव के सामने ही दिक्कत दूर कर दी गई है. बाफलियाज में बेस हेडक्वार्टर पर साइट क्रॉस आर्म की जांच चल रही है. हेडक्वार्टर ग्राउंड क्रू की तसल्ली के बाद हेलीक्रेन इंजीनियर्स कमान संभालते हैं. हेलीक्रेन साइड आर्म को जगह पर लाती है और वेल ट्रेन कमांडोज जल्दी से गाइड रोप्स को जगह पर जमा देते हैं. अब वक्त है लिफ्ट ऑफ का. लेकिन कुछ ही मिनट बाद पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है. हेलीक्रेन एक और कोशिश के लिए वापस लौटती है. क्या ये 6 टन का क्रॉस आर्म उठा पाएगी या आज का काम यहीं अटक जाएगा?
कश्मीर में रिलायबल पावर लाने के प्रोजेक्ट का काम पूरे जोरों पर है, लेकिन टीम क्रॉस आर्म से जूझ रही है। इसे उठाने की दो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दिक्कत इसकी केबल्स में से एक में है। ये अजीब शेप के क्रॉस आर्म को बैलेंस नहीं कर पा रही, लेकिन ये टीम हार मानने में विश्वास नहीं रखती और ओल्गा की तीसरी कोशिश कामयाब रहती है। वहां थाना मंडी में पहाड़ पर मौजूद एरिक्सन क्रू ब्रायन मेरिमन और कोडी रे टावर की जांच की तैयारी करते हैं। टावर इरेक्शन की ये स्टेज खास तौर पर खतरे से भरी है। साइडआर्म जगह पर जमाया नहीं जा सकता, इसलिए इस टीम को टावर पर ही रहकर इसे मेन बॉडी से कसना होगा। स्टब्स पर झूलते हुए कोडी साइड प्लेट्स के हर बोल्ट को चेक करके उन्हें सिक्योर करते हैं। ब्रायन क्रू को काम समझाते हैं। मैं पहले इसे अंदर पुश करूंगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। बताइए हमें क्या करना है। ओके। एक डेमो दीजिए। अब हम लोग स्पाइक लगाएंगे, ओके? या। और फिर उसे ये टाइट करेंगे, और कोई एक स्पाइक को पकड़ेगा ताकि वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। दूसरा आदमी इसे वॉच करेगा। मेरे साइड वाला मुझे देखेगा, यस, और इसकी साइड वाला इसे देखेगा, राइट। जरूरत पड़ी तो हम आपको ऊपर बुला लेंगे, ओके? ओके। आखिरकार क्रॉस आर्म पहुंचती है। पायलट सेक्शन को जगह पर लाकर ठीक से पोजीशन करता है। क्रॉस आर्म लगाना टावर इरेक्ट करने में सबसे होशियारी वाला काम है, क्योंकि क्रू को इसे तेजी से जमाने के लिए ग्रेविटी से जूझना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। हेलीक्रेन हवा में मंडरा रही है, जबकि टीम टावर पर तेजी से काम करते हुए अपने क्रोबार से बोल्ट होल्स मैच करने की कोशिश कर रही है। रोटर्स का डाउनवर्ड थ्रस्ट इतना तेज है कि टावर पर काम करते लोगों को उड़ा सकता है, लेकिन हर एक अच्छे से बंधा हुआ है और ईयर प्लग्स पहने हैं ताकि हेलीक्रेन का जबरदस्त शोर असर न डाले। रोप से बंधे क्रू के टूल्स उनकी पहुंच में है। हेलीक्रेन पायलट नीचे हो रहे काम पर पैनी नजर रखते हुए चॉपर को एक जगह जमाए रखता है। टीम लगातार काम करती है। आखिरकार आर्म सिक्योर करके काम को बखूबी अंजाम दिया जाता है। लोकल विलेजर्स के लिए ये एक नायाब नजारा है। रोशनी की पहली झलक से बेहिसाब रास्ते जो खुलेंगे। बिजली हमारी कट होती है, जो स्टूडेंट्स की लाइफ पर बड़ा असर करती है। देखो आप, अगर बिजली होगी अच्छे से तो वो भी पढ़ सकेंगे, फिर हमारे बिजली की वजह से पानी भी हमें चलेगा और भी काफ़ी सारे फायदे होंगे। अगर 24 घंटे बिजली रही तो बहुत बड़ा हमें फ़ायदा हो जाएगा। दफ्तरों का कंप्यूटर सिस्टम है वो भी चलेगा, और कोई नेट का सिस्टम है आगे पीछे करना है वो भी चलेगा। सर, बिजली अगर आना शुरू हो गई तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। हीटर भी इस्तेमाल हो सकता है, तो बॉयलर भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे हमारी मतलब काफ़ी जानें जो बच सकती हैं यहाँ। अगर आ गई तो उसे हमारा रोज़गार बेहतर होगा, हमारे बच्चे रात को पढ़ सकेंगे, हमारा जो कारोबार है यहाँ पे कुछ स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं वो लग जाएंगी। बिजली के आने से तो समाज में बेहतरी होगी और डेवलपमेंट होगी। प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। सांभा और अमरगढ़ के बीच टावर खड़े होने के बाद अब कंपनी ने उन्हें तारों से जोड़ने का फैसला किया है। कॉरिडोर में कंडक्टर्स लगाना एक पेचीदा काम है। इन ट्रांसमिशन टावर्स पर चढ़े लोग जमीन से 26 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। ये दो 9 मंजिला बिल्डिंग्स के बीच बंधी रस्सी पर चलने जैसा है। इस काम में सटीकता और गजब की जांबाजी चाहिए होती है। वहीं दूर नीचे रेंचेस और रस्सियों से लैस वर्कर्स के झुंड दो टावर्स के बीच केबल्स को कस कर खींचते हैं। केबल्स में कोई लचक नहीं छोड़ी जा सकती, और ये सब एक चलती सड़क के मोड़ के ऊपर हो रहा है। यहां ट्रैफिक को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सड़क जम्मू से रजौरी जाती है और इसे आर्मी और सिविलियंस दोनों इस्तेमाल करते हैं।
पेड़ों की कतार के बहुत ऊपर वर्कर्स केबल्स को नीचे करने से पहले उनकी सही लंबाई मार्क करते हैं। ग्राउंड क्रू वायर को काट कर घुमाता है और जब ये काम पूरा हो जाता है तो वो सब पूरी ताकत लगाकर इसे ऊपर खींचते हैं और ये काम गैंग मास्टर के सुर में सुर मिलाकर किया जाता है। हवा में लटक कर काम करता क्रू पेशेंस के साथ काम करते हुए केबल्स को मजबूती से इंसुलेटर्स से जोड़ता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सेफ्टी रिग चढ़ाए ये वर्कर्स गाइड रोप रिलीज करने के लिए तनी हुई रस्सी पर तकरीबन चल कर जाते हैं। ये चकरा देने वाला नजारा यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता। टावर्स के बीच सिर्फ एक कंडक्टर वायर को फिक्स करने में 5 घंटे लगते हैं और समझ बूझ से किया जाने वाला लेकिन जोखिम भरा ये काम तकरीबन 11 बार दोहराया जाएगा, तब जाकर 2 टावर्स के बीच तार जोड़ने का काम पूरा होगा। नवंबर आ चुका है, आसमान साफ है, लेकिन सर्दियां आने में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऑपरेशंस यार्ड में काम लगातार जारी है जहां स्टरलाइट और एरिक्सन टीम्स सटीक तालमेल के साथ काम कर रही हैं। वो वहां ब्रेस है क्या, जरा देखकर बताओ। नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहां ऊपर है। अच्छा ऊपर है, वहां देखो, वहां बोल्ट सब भी लूज हैं। यार्ड में टावर के आखिरी हिस्से को भेजने की तैयारी चल रही है। इधर इस मजबूती से जुड़े स्किल्ड वर्कर्स के ग्रुप ने एक और सेक्शन भेजा और उधर वो समझ जाएंगे कि काम बखूबी पूरा हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर निशांत गुप्ता और एरिक्सन के डेविड ब्रॉडवे के लिए ये जानना काफी तसल्ली भरा है। बिना थके काम करती हेलीक्रेन फिर लौटी है और इस बार ये टावर का भारी क्राउन लेकर आई है और टीम के एक और टावर पर टॉप जमा देने के साथ ही साफ है कि इस नई कंपनी ने काम को बखूबी अंजाम दे दिया है। आज पीर पंजाल पहाड़ों के ढलानों पर यहाँ वहाँ 800 ट्रांसमिशन टावर्स खड़े हैं। हेलीक्रेन को बुलाने का दिलेरी भरा फैसला आखिर काम आया। सच कहूं तो इतने बड़े मैग्नीट्यूड और स्केल के प्रोजेक्ट को हमने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया था और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड से एग्जीक्यूशन तक कैसे लाएं। हमें बहुत सी चीजें इन्वेंट करनी पड़ी और उसे सीखना पड़ा। इनफैक्ट हमारे लिए हर दिन एक नया इनोवेशन था। ये टीम स्टरलाइट और टीम एरिक्सन दोनों के लिए एक लर्निंग कर्व था और महीनों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से दोनों ने एक दूसरे की ताकत को अच्छे से पहचाना। हम यहाँ मैन पावर यूज कर रहे हैं बजाय मशीनरी के, अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत मेहनती हैं और अपने काम को पूरा करने में ही यकीन रखते हैं। That's the main thing. आप घर चले जाओगे, मैं घर चला जाऊंगा। End of the day, सब अच्छा होना चाहिए। अभी 200 टावर्स और लगाए जाने हैं, तब जाकर काम पूरा होगा। इस नौजवान टीम ने इंडिया में हाईटेक कंस्ट्रक्शन की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। अपना वादा पूरा करते हुए ये प्रोजेक्ट को तय तारीख से 1.5 साल पहले डिलीवर करने की तरफ बखूबी बढ़ रहे हैं। ये वो लाइन है जो न सिर्फ कश्मीर को पंजाब से जोड़ती बल्कि सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी यूनिट से पूरे इंडिया में अब वो अवेलेबल है कश्मीर ग्रिड के लिए। वो चाहे तो उससे बिजली खरीद कर दे सकते हैं अपने सिटीजन को। इसमें लगी है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंसानी बाजुओं का दम और इन पहाड़ी रुकावटों से पार पाने का जबरदस्त जज्बा। इंसान और मशीन ने मिलकर आखिरकार पीर पंजाल की ऊबड़ खाबड़ जमीन को मात देकर राह बनाई है न्यू कॉरिडोर ऑफ लाइट टू कश्मीर की।